Dutty. Ah, dale. बस एक कोशिश की जरूरत है दोस्तों, मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। दोस्तों मेरे वीडियो में पहला पार्ट जो रहेगा वो रहेगा आपका डाइट से रिलेटेड, दूसरा पार्ट जो रहेगा वो मेरे एक्सरसाइज से रिलेटेड कि मैंने पूरे दिन में क्या। गुड मॉर्निंग, आज हम लोग पानी पियेंगे जीरा सौंफ दालचीनी तीनों का मिक्स। दालचीनी ऑलरेडी इसमें मैंने कल रात में डाला था, आज मैं इसमें मिक्स करूंगा जीरा और सौंफ मॉर्निंग और रात दोनों टाइम यही पानी पियेंगे। कैसे बनता है, एक चम्मच जीरा इलेक्ट्रिक केटली में डालना, एक चम्मच सौंफ केटली में डाल लेना, ऑन कर दीजिए और आपका मॉर्निंग का हेल्दी ड्रिंक तैयार। पानी गर्म होता है तब तक आप अपने ग्लास में नींबू निचोड़ लीजिए। मैं एक नींबू डालता हूं अपने पानी में डेली। सिप सिप करके पीना है और इसके आधे घंटे के बाद ही कोई, या आप चाय पीना चाहते हैं चाय पीजिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने खाने पे और एक्सरसाइज पे दोनों पे ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं थोड़ा लेट तो हो गया हूँ अपने एक्सरसाइज के लिए, कुछ जरूरी काम खत्म करने थे, खत्म करके अब मैं जा रहा हूँ अपने एक्सरसाइज के लिए। चलिए दोस्तों, अब टाइम हो गया है, ज्यादा लेट नहीं करते, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है और हम लोग अब अपने एक्सरसाइज के लिए। आई एम रेडी। तो फ्रेंड्स, आज मैंने साइकिलिंग नहीं की, मैंने जो मेरा फेवरेट डिश है पंजाब का, मक्के दी रोटी और सरसों दा साग खाया, और क्या टेस्ट था। सो अगर आप ये डाइट डिसिप्लिन फॉलो करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, वीकनेस फील नहीं होगी, आपका स्ट्रेंथ बिल्ड होगा। बस एक कोशिश की जरूरत है दोस्तों, मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है। मैं आ गया हूं वापस वॉक करके, और जैसे आज आपको पता है मैंने साइकिलिंग नहीं की बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट, और आने के बाद अब आपने मॉर्निंग में आपको बताया था कि मैंने जीरा सौंफ दालचीनी तीनों चीजें मिला के पीऊंगा। मैं अभी इसमें कुछ भी मिक्स नहीं कर रहा हूं बिकॉज ऑलरेडी इसमें है, और मैं बस अब ये ऑन कर दिया। कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं आपके वेट लॉस के लिए जो आपको फायदेमंद होगा। वेट लॉस के लिए सीरियस है तो आपको चार पांच चीजों का ध्यान रखना है। ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है, कम क्वांटिटी में कंटिन्यूअस रेगुलर इंटरवल पे दो दो तीन तीन घंटे के इंटरवल पे खाएं, चीनी नहीं खाना है, सैचुरेटेड फैट तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, साथ में डेयरी प्रोडक्ट आप जरूर ले, और जितने भी आप ये आपको अपना ब्रेकफास्ट के दोस्तों ब्रेकफास्ट क्यों नहीं स्किप करना है, स्वस्थ अपने दिमाग और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 1200 से 1800 कैलोरी की जरूरत पड़ती है। जो इंसान ब्रेकफास्ट करता है वो दिन में कम कैलोरी लेता है, कम कैलोरी खाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी आपके लिए, उम्मीद है आप इसको फॉलो करेंगे और आप अपने डाइट का ख्याल रखेंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। फ्रेंड्स, इफ आई कैन डू इट एनीवन कैन डू इट, मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है। स्टार्ट कीजिए
आपको 15 से 20 दिन के अंदर खुद ही आपको फर्क दिखने लगेगा। आप अपने आप पे भरोसा करिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप मोटिवेटिंग मी एंड कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड। आपसे बात करते करते मैंने पानी पी लिया। थैंक यू। नाउ इट्स टाइम टू टेक अ रेस्ट। मेरा जो डाइट शेड्यूल है दोस्त, मॉर्निंग में फेनल सीड या कोई भी सीड का वाटर, 8 या 8:30 के बीच में मैं ब्रेकफास्ट, देन मिड ब्रेकफास्ट में 9 साढ़े 9 बजे करता हूँ, फिर उसके बाद 1 से 2 के बीच में मैं लंच, 4 से 5 के बीच में मैं इवनिंग स्नैक्स लेता हूँ, और 7:30 तक मेरी कोशिश रहती है कि मैं डिनर कर लूँ, मैक्सिमम 8 o'clock। एक और जानकारी देना चाहता हूँ आप लोगों को, जो मुझे फीडबैक मिला है कि मैं अपने सैलेड में बहुत सारे फ्रूट्स, बहुत सारे वेजिटेबल मिलाता हूँ। तो मेरा मकसद सिर्फ ये है आप लोगों को बताने का, जरूरी नहीं है कि सेम सैलेड आपने फॉलो करना है। आप प्लेन खीरा का सैलेड ले सकते हैं या गाजर का सैलेड ले सकते हैं, आप एक वेजिटेबल या एक फ्रूट का भी सैलेड ले सकते हैं। आप मेरा मील पैटर्न फॉलो करिए, कितने बजे खाना है, कितने बजे, और इसकी आदत पड़ती है आपको, कि जरूरी नहीं है कि मेरा ही सैलेड फॉलो करना है, आपके अवेलेबिलिटी के हिसाब से। त्रिशि ने पोमोग्रेनेट छीला है। वेरी गुड। नौटंकी कर लिया क्या? नौटंकी क्या? नौटंकी करी तन क्या खा रही है? सबको खाना चाहिए। हाँ। दीदी को भी खाना चाहिए। हाँ। दीदी तो खानी नहीं, दीदी भी खा ली है। छोटी है दाने। नौटंकी कुछ कहना चाह रही हो तो या फिर बोतल में पानी देती, फिर क्या होगा? मार लगी कि नहीं लगी तुझे? नहीं। लगना तो चाहिए था। रोंदू है एक नंबर की। पानी कैसे पी है? बोल डोरी लगा के रस्सी बांध के नीचे भेज दो। आगे ये आधे घंटे तक मैं से मांग नहीं रही। भैया 9:15 हो गया, मेरा जाने का टाइम रह गए, पानी ऊपर नहीं आए। इतना रस्सी बांध के इसको नीचे भेजे, इतना तो क्यों भेजेंगे? अच्छे से भेजेंगे ना मम्मा। लेकिन पॉलिथीन में भी कर सकता है। अच्छा, हो सकता है पॉलिथीन में। तेरा सर पे जाएगा एकदम डायरेक्ट लैंडिंग तेरे सर पे। फिर क्या हुआ ऋषि? पता मैंने लिया था इतनी मुश्किल से। क्या लिया था? तू ही नहीं आई ना, हमने खत्म कर दिए। तू लेट आई इसलिए हमने पाव भाजी भी मंगाया था। मोमोज तो खा लिया और मसाला डोसा भी और पाव भाजी भी। हाँ। फिर से चोट लगी उसको। चोट लगी है इसे। हाँ। पहले कह रही थी वो देखें। ऊपर आओ उठाओ उसको। 1। हाँ तो उठोगी तो ना। हाँ चोट लगी ना। हाँ चोट लगी, क्यों लगी? हाँ लगी तुम्हारी चोट। प्रॉमिस करो पिंकी, प्रॉमिस करो। अच्छे से करो पिंकी, प्रॉमिस करो। हाँ
डांट पड़नी चाहिए, मार नहीं लगी है मधु, इसको मारा नहीं तुमने, मारा लिया नहीं है, है? डांस कर रही है, डांसिंग मैं चलो मुंह मुझा दी, नहीं आया ही नहीं है, आज आने वाला है, आया ही नहीं है कर दे अटैक कर, थैंक यू, मैंने अपना फोन पापा को दे दिया, थैंक यू मम्मी हेलो, क्या किया तुमने, चीटिंग कर दिया मम्मा साथ? हाँ तो शायद हाँ, कभी रात को हेलो नहीं करते थे, हाँ? क्या कर सकती है त्रिशा जा फिर चीटिंग, हाँ। सकती ओ क्या बोल दिया मम्मा, ग्लास में चल चीटर झूठू, हाँ? चल झूठी छुट्टी, तू एक नंबर की झूठा, तो है ही नहीं मेरी बेटी के पास, नहीं है वो, क्या वो फट गया है, वो क्या वो क्या नौटंकी, क्या बॉटल, तुम तो बॉटल में उठ गया ना, तो शाम मैं बॉटल में काफी देर में गलत फहमी हो गई, तुम्हारी गलत फहमी हो गई, ये यूनिकॉर्न वाले में पीती है मेरी बेटी, अच्छा गलत फहमी हो गई, ये यूनिकॉर्न वाले में पीती है मेरी बेटी, अच्छा यूनिकॉर्न, अच्छा इसी के लिए यूनिकॉर्न लाई थी क्या, अरे आज तक दूसरी जगह पड़ा हुआ नहीं, हर रोज पीती है मेरी बेटी, और मम्मी कब तक दिखाती होगा कब, अब बल्ले बल्ले सरप्राइज है, आंखें बंद कीजिए, कर लिया तो खोलिए, ओ माय गॉड इसमें पीती हो, हाँ तो फ्रेंड ये ना मेरे को ना बहुत पसंद है, इसमें लिखा हुआ दिन भरा इनका डिजाइन बहुत अच्छा लगता है, समझ गई, लेकिन वीडियो तो मेरी वजह से चल रही है ना, किसने बोला तो क्यों ऐसी गलत फहमी, मेंटेन रखता है, किस तरीके से मेंटेन करता है।